उधर देखिए कांग्रेस की गारंटी और कांग्रेस की वादे कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। यहाँ लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कई महिलाएं पहुंच गई हैं, मुस्लिम महिलाएं पहुंची थी उस गारंटी को लेकर, जहां कांग्रेस ने कहा था कि 1,00,000 रुपए सभी महिलाओं के खाते में आएंगे, उनको दिया जाएगा, और ये तमाम महिलाएं उनसे 1,00,000 रुपए मांगने लगी। झूठ पर सियासत का मलाई खाने वाले, सत्ता की मलाई खाने वाले कांग्रेसी नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो चुप्पी साधे रहे। क्या कुछ कह रही थी महिलाएं, सुनाते आपको इस रिपोर्ट में। हर महीने खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर। 1,00,000 की आस, कांग्रेस नेताओं के लिए मुश्किल हुआ लेना सांस। नोट का लालच दिखाकर झटक लिए वोट, अब नियत में खो। विपक्ष का चुनावी वादा बना जी का जंजाल, चुनावी माया जाल से कांग्रेस नेताओं का जीना मुहाल। बहनों के खाते में 1,00,000 रुपया जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। जी हां, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब कांग्रेस की गारंटी पार्टी के लिए परेशानी बन गई। चुनाव परिणाम आने के दूसरे ही दिन कांग्रेस के दफ्तर में अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं का पहुंचना शुरू हो गया। ये तस्वीरें यूपी कांग्रेस के मुख्यालय यानी कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर की हैं। यहां 5 जून से ही पार्टी दफ्तर में महिलाओं का आना जारी है। लखनऊ और आसपास के जिलों से मुस्लिम महिलाएं धीरे धीरे यहां पहुंच रही हैं और यूपी कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय के दफ्तर में खटाखट 1,00,000 रुपए देने की मांग कर रही है। हमारी मांग तो यही है जो राहुल गांधी ने वादे किए हैं, वो भाई पूरे तरफ लोगों के लिए, हम लोगों को तो अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोगों को। आपको मतलब कि ये लगता है कि ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी या कोई कंफ्यूजन है? हाँ लगता तो है, मिल जाएगा। और ये चीज़ें सरकार आएगी तो अगर सरकार नहीं आएगी तो आप वो भी कर लेंगी, मतलब बर्दाश्त कर लेंगी? वो तो कर ही रहे, 10 साल से कर रहे हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में महिला वोट हासिल करने के लिए महिलाओं को हर साल 1,00,000 रुपए देने का वादा किया था। कांग्रेस ने इस बारे में बाकायदा महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने के वादे के साथ गारंटी कार्ड भी दिया था। कांग्रेस के इस वादे का असर हुआ, महिलाओं ने कांग्रेस और गठबंधन के नेताओं को जमकर वोट दिए। खासकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा वोट बैंक कांग्रेस के खाते में आता दिखा, जिसका नतीजा यूपी में इंडी गठबंधन को मिली जीत के तौर पर देखा जा सकता है। खुद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता भी इस जीत को कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। माताएं बहनों के अकाउंट में 1,00,000 रुपया पहुंच जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में 1,00,000 रुपया जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन अब ये महिलाएं उस वादे को पूरा होते देखना चाहती हैं, इसीलिए जैसे ही 4 जून को नतीजे आए और कांग्रेस के नेता जीत की खुशी में झूमते नजर आए, ये महिलाएं गारंटी कार्ड लेकर 5 जून को यूपी कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर पहुंचने लगी और 1,00,000 रुपए देने की मांग करने लगी। फॉर्म मिला नहीं हम लोग को, फॉर्म ही के लिए आए थे, सुबह से ना कितने फेरे लगा चुके हैं। हाँ। मतलब इसी उससे कि चलो गरीब है, झाड़ू पोछा। आप आ रही हैं बार बार यहाँ पर, क्या भरोसा, क्या उम्मीद है आपको, क्या मिल सकता है? कोई नहीं मिल सकता, लेकिन जो थोड़ा सभी बता रहे थे, क्या बातचीत हो रही थी, क्या बता रहे थे कि बैंक 8,500 रुपए आएंगे। कांग्रेस के चुनावी वादे पर यकीन करके पैसे लेने आई इन मुस्लिम महिलाओं को उम्मीद थी कि कांग्रेस अपना वादा पूरा करेगी, इसीलिए महिलाएं पूरी तैयारी के साथ आईं। इन्होंने कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस की गारंटी का कार्ड भी दिखाया और गारंटी कार्ड पर अपना नाम पता और नंबर भरकर पार्टी दफ्तर में जमा भी किया। महिलाओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इन्हें 5 जून को पैसे लेने आने को कहा था, इसीलिए अब इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो ये गारंटी कार्ड जमा करके पैसे लेने आई हैं। लेकिन महिलाओं का कहना है कि यहाँ तो स्थिति अलग है, पहले तो इन्हें कांग्रेस दफ्तर में अंदर जाने से रोका गया और जब बड़ी मशक्कत के बाद कुछ महिलाएं अंदर जाने में कामयाब हुई तो कोई कुछ कहने को ही तैयार नहीं। 8,500 रुपए महीना मिलेगा, तुम लोग की गरीबी जो है दूर हो जाएगी। तो हम लोग ने कहा चलो अच्छी है, कोई छोटी दुकान खोल लेंगे अपने बैठे। ये किसने बात कही थी आपसे? ये आए थे फॉर्म ही लेने, तभी पता चला था। फॉर्म मिला था यहाँ से? मिले ही नहीं, हम लोग फिर से आए सर लेने, और सबको मिल गया, हम लोग को नहीं मिला। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 तरह की गारंटी पूरा करने का वादा किया था, जिसमें कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं और युवाओं पर था। खासकर महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना का प्रचार किया और महिलाओं से वादा किया था कि कांग्रेस को अगर चुनाव में जीत मिली तो 5 जून से गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को साल में 1,00,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलता जाएगा, हर महीने खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर।
कांग्रेस ने इसकी पहली किस्त 5 जून को ही देना तय किया था, लेकिन अब जबकि महिलाएं कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस से गारंटी पूरा करने को कह रही हैं, तो जवाब देने वाले नदारद हैं और पार्टी दफ्तर पर सन्नाटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए हम सीधे रुख कर लेते कांग्रेस दफ्तर से। हमारे सहयोगी सुजाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुजाता, कांग्रेस ने चुनावों में वोट लेने के लिए कैश की गारंटी तो दे दी और कह दी कि खटाखट सबके अकाउंट में पैसा जाएगा, लेकिन अब ये महिलाएं जवाब मांग रही हैं। मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। आपने छल तो कर दिया खटाखट का, लेकिन अब इस पर चुप्पी के मायने क्या है? चुप्पी इसलिए है क्योंकि सरकार नहीं बनी है। चुनावी वादे किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, और ये मासूम जनता है जिसे ये लगता है कि मैंने अपने प्रत्याशी को जिता दिया है तो बस मुझे जो वादा किया गया वो पूरा कर लिया जाए। लेकिन आज क्योंकि सरकार ही नहीं बनी है तो अब इन मासूम महिलाओं को ये कोई नहीं समझा पा रहा है कि जब सरकार नहीं बनी है तो वादा पूरा नहीं हो सकता। और ये बस एक चुनावी जुमला मात्र ही साबित हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो 5 वादे किए गए थे, न्याय पत्र उसको कहा गया था, उसमें 8,500 रुपए महीना जो कि ट्रेनिंग के लिए था, नौकरी पाने के लिए, और साथ में 1,00,000 सालाना दिया जाएगा महिलाओं को, ये कहा गया था। और इसका फायदा भी मिला है। युवाओं और महिलाओं के वोट की वजह से ही कांग्रेस 99 पर और पूरा इंडिया ब्लॉक 234 तक पहुंच पाया है। हालांकि सरकार बनाने के आसपास भी वो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ये मुश्किल होगा क्योंकि मासूम जनता है जो भी वादा किया जाता है जो भरोसा कर लेती है। और खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं जो यहां पर लाइन में लगी हुई हैं, मुस्लिम अगर हम सेग्रीगेशन जो सामने आया है उसके मुताबिक से मुस्लिम समुदाय का 72% वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मिला है। यानी इन वादों का असर पड़ा, लेकिन ये वादे कांग्रेस निभाने की स्थिति में नहीं है। इंडिया ब्लॉक नहीं निभा सकता है क्योंकि उसकी सरकार नहीं बनी है। और ये जो महिलाएं हैं ये इनके साथ एक तरह से इनको लग रहा होगा कि हमारे साथ धोखा हो गया है, लेकिन सरकार नहीं बनी तो ये वादा पूरा भी कांग्रेस नहीं कर सकती है। हां, लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाया गया या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया गया कि 5 जून को ही हम दे देंगे, जाहिर तौर पर जब तक सरकार नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुजाता, महिलाएं तो इसी उम्मीद से पहुंच रही कि शायद उन्हें 1,00,000 रुपए मिलेगा, लेकिन उन्हें शायद ये बात नहीं पता कि सरकार बनने को लेकर ये वादे किए गए थे। चलिए बढ़ते आगे, मुफ्त रेवड़ियों की बात करते हैं। जो कांग्रेस ने वादे किए थे वो क्या क्या है? गरीब महिला को देखिए, हर साल 1 रुपए दिए जाएंगे, ये वो रेवड़ियां जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले दिए थे जिसके तहत वो जीती है। बेरोजगार युवाओं को 1,00,000 की मदद दी जाएगी, ये वो वादे जो कांग्रेस ने पहले किए थे चुनाव से पहले। इसके अलावा ये भी कहा कि जो सभी तरह के एजुकेशन लोन है उनको माफ कर दिया जाएगा, यानी जो भी एजुकेशन लोन है उसको माफ किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई ऐसे वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए जिन पर भरोसा करके वोट दिया गया। किसानों के सारे कर्जे माफ किए जाएंगे, ये वादा भी कांग्रेस ने किया। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा मजदूरों के लिए, ये वादे किए गए। ये तमाम जो मुफ्त रेवड़ियां हैं जिनके नाम पर कांग्रेस को इस बार वोट मिला है, लेकिन अब ये महिलाएं जब वहां जा रही हैं उसके बाद अब उनको यहां जवाब नहीं मिल रहा है।